तो यहाँ पर कुवैत में भाई चालान इतने ज्यादा महंगे है कि भाई 3200 इंडिया का लगा लो तो 64,000 बनता है भाई। भी आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भाई कि कुवैत में ट्रक ड्राइवर, ट्रालर ड्राइवर और बस ड्राइवर की सैलरी कितनी है और इसमें क्या क्या फायदे हैं, मतलब ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर और ट्रालर ड्राइवर में, और क्या क्या नुकसान है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक और ब्लॉग में, एक और ट्रकिंग ब्लॉग में। तो आज तीसरा चौथा ब्लॉग है भाई ये ट्रकिंग। आप सब इतना प्यार दे रहे हो, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं और सब्सक्राइब भी चैनल को कर रहे हो, तो आप सभी का थैंक यू, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हो अपने भाई को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ताकि हम नए नए ब्लॉग, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाएं, बताएं सब कुछ, है ना। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ, अभी हम बैठे हुए हैं ट्रक में ही, और हमारी पहला ट्रिप है जो स्टार्ट हो चुका है। और मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, मतलब आज ठंड ठंड वाला सीन है। तो अभी आपको आगे आगे बताते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये देखो, हमें शूज़ वगैरह मिल चुके हैं और शूज़ काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे फिट बैठे हैं और अच्छे लग रहे हैं डाले हुए पैरों में, है ना। तो वर्दी भी हमें मिली, लेकिन वर्दी का ये है कि वर्दी मुझे खुली बहुत ज़्यादा आई, मैंने एक्सेल साइज बोल दिया था, जबकि मुझे आएगा अपना एल साइज आएगा ना। तो अभी उसकी फिटिंग करवानी होगी, अलग से पैसे खर्चने होंगे, तो वो भी सेट करवाऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि कैसी वर्दी होती है यहाँ पर, है ना, और मेरे पे कैसी लगती है। भाई सुबह का मौसम आप चेक कर सकते हो कैसा है, आज कुछ कुछ बादल लग रहे हैं, शायद आपको भी दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई इधर भी, और उसी साइड पे काम चल रहा है अभी, पता नहीं कितना टाइम चलेगा, अभी तो टाइम लग जाएगा यहाँ पे। लेकिन मौसम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है भाई, इंडिया में इस टाइम पता नहीं कैसा मौसम है, लेकिन यहाँ पर तो ठंड होने लग गई है सुबह शाम की, दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी हम लोड करवा के लेके जा रहे हैं और वो सामने जहाँ पर लोडर खड़ा हुआ है वहाँ पे हमें फेंकना ही है ना। तो लो भाई यहाँ पे फेंकते हैं हम मिट्टी जो हम लेके आते हैं वहाँ से। ये सारा का सारा बेड बन रहा है, इसे बेड ही बोलते हैं हम। ये देखो इधर को कंप्लीट है ना, उधर भी कंप्लीट कर दिया है, और इधर आगे जो यहाँ पर आपके खाई सी मतलब खट्टा सा दिखाई दे रहा है, ये हमें भरना है पूरा का पूरा मिट्टी के साथ। तो हम डेली यहाँ पे मिट्टी फेंकते हैं, और पीछे लोडर लगा हुआ है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उसका काम बस ये है कि वो उसे आगे को धक्का देता है, मिट्टी को आगे करता है, लेवल करता है, मतलब ये देखो बस ऐसे ऐसे आगे आगे को मिट्टी फेंकती जानी है, और वो जो लोडर है वो करता जाता है अपना काम। तो ये काम होता है भाई यहाँ पर डंप ट्रक वालों का, बस साइड पे होना चाहिए। ये देखो ये लोडर लगा हुआ है, ये बस मिट्टी को धक्का देगा और नीचे को फेंकेगा। ये देखो लोडर लगा हुआ है, इसका काम बस यही है, ये पूरा दिन यहीं पे रहेगा, इसका यही काम रहेगा, और हमारा ये होगा बस वहाँ से मिट्टी उठाएंगे और यहाँ पर आके ऐसे देखो फेंक देंगे ऐसे। हम ये देखो अभी जैक उठा रहे हैं और मिट्टी ऐसे फेंक देंगे यहाँ पे। तो लो भाई सुबह का टी टाइम हो गया है अपना, चाय अपन ने डाल ली है इसमें, चाय पियेंगे अब हम। आओ चाय पी लो आप भी। ये जो सामने आपको बंदा दिखाई दे रहा ना भाई, इस बंदे की 8 घंटे की ड्यूटी है, और ये पूरा दिन धूप में ऐसे ही खड़ा रहेगा, बस ये चेक करता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है, मतलब बताएगा यहाँ पे मिट्टी फेंकनी है और वहाँ पे मिट्टी फेंकनी है, बस पूरी धूप में भाई, पूरी सर्दी में भी बाहर ही रहेगा, धूप में भी बाहर ही रहेगा, तो ऐसी ऐसी ड्यूटी भी है भाई यहाँ पे। तो लो भाई सुबह हो चुकी है और अच्छी खासी धूप भी निकल चुकी है, और ऐसे भाई खाली कर रहे हैं, देख लो लोडर को नहीं सॉरी अपना जो डंप ट्रक है ऐसे खाली करते हैं भाई, आराम से चेक उठाते हैं। और ये देखो ऐसे ये जो खाई बनी हुई है ना, खाई नहीं सॉरी, ये मतलब जो डाउन है ना, इसे हमें पूरा करना है, मतलब पूरा एक लेवल देना है इसे, जैसे कि ये पीछे लेवल दे रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ करना है भाई। तो भाई आज बात करते हैं कि ट्रक ड्राइवर और अपना ट्रालर ड्राइवर और बस ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है कुवैत में। तो भाई इनमें ऐसा होता है कि अब तो ऐसा रूल बना दिया यहाँ पर कुवैत में कि आपको 120 KD से कम तो कोई सैलरी दे ही नहीं सकता, चाहे आप किस भी काम में आ रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ कि अगर बस ड्राइवर की सैलरी है 120 KD है, ठीक है, और जो डंप ट्रक है वो उसकी है 140 के करीब है, और जो ट्रालर ड्राइवर है उनकी ज्यादा है।
तो ऐसा होता है कि इसमें अलग अलग सिस्टम होता है किसके, जैसे अभी बस ड्राइवर है उसका ओवर टाइम होता है, यहाँ पर ओवर टाइम 2 घंटे का भी होता है, 4 घंटे का भी होता है, और जो डंप ट्रक ड्राइवर है उनका जो ओवर टाइम होता है उनमें ओवर टाइम भी हो सकता है और ट्रिप सिस्टम भी होता है। तो ठीक है, उनमें ट्रिप का सिस्टम बताया होता है कि आपने एक दिन में इतने चक्कर लगाने हैं तो आपको इतने इतना कैश हम आपको देंगे एक्स्ट्रा। और जो ट्रालर ड्राइवर होते हैं उसमें भी ट्रिप सिस्टम होता है, ज्यादातर तो ऐसे ट्रिप सिस्टम ही होता है। लेकिन इन सब में मेन चीज अब ये आती है कि अगर आपकी 120, अगर मैं एग्जांपल तो उससे बताता हूँ, अगर आपकी चलो 140 सैलरी है डम्प ट्रक में, तो अगर तो आप साइड पे काम कर रहे हो ना, जैसे मैं साइड पे काम कर रहा हूँ, फिर तो ठीक है आपके लिए, फिर तो चलो 140 भी आपका सेव है और जो एक्स्ट्रा बनता है या ट्रिप का है या ओवर टाइम है वो भी आपका सेव है। बट अगर आपकी ड्यूटी पड़ती है रोड पे, जैसे कि हाईवे पे जाना आना होता है, तो भाई मुकालफा बहुत ज्यादा होता है, मतलब चालान बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर कुवैत में भाई चालान इतने ज्यादा महंगे है कि पूछो ही मत, 20-20, 30-30, 40-40 केडी, 80-80 केडी तक चालान आ जाते हैं। अभी मैं बात बताता हूँ आपको, भाई बस ड्राइवर है जिसके साथ मैं बस में आता हूँ, मतलब उस भाई के एक मंथ में 80 केडी का चालान हो चुका है और उसकी 120 केडी सैलरी है, 2 घंटे ओवर टाइम भी ऊपर मानता है। लेकिन आप लगा लो कि जिस बंदे का 80 केडी का चालान ही हो गया, 80 केडी इंडिया का भाई लगभग 20,000 रूपए बनते हैं, तो आप ये सोच लो महीने का चालान 20,000 रूपए उसने भरा है, तो 120 उसकी सारी सैलरी है, ऊपर से 20-30 केडी और लगा के चलो, तो देख लो कितना नुकसान होता है भाई, चालान भी बहुत है। तो भाई ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पर, चालान बहुत ज्यादा है। सिंपल वे में आप अगर मैं आपको बताऊं, अगर मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अगर आपको ऐसे ज्यादातर बंदे तो ये सोचे कि आपको डंप ट्रक आना चाहिए और डंप ट्रक में ही यहाँ पर आए, क्यों? क्योंकि डंप ट्रक का काम होता है वो साइड पे ही होता है, ज्यादातर रोड पे बहुत कम चलते हैं। तो अगर आप डंप ट्रक में आते हो तो आपकी सैलरी भी ठीक लग जाती है और आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है या ट्रिप सिस्टम भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बचाव ये हो जाता है कि आपको कोई चालान नहीं होगा तो आपकी सैलरी सेव रहती है। लेकिन अगर आप बस ड्राइवर में आते हो तो भाई, यार ट्रालर ड्राइवर में आते हो तो बहुत ज्यादा चालान है। बस ड्राइवर के तो चलो फिर कम है, जो मैं 80 केडी बता रहा हूँ ये चलो फिर भी कम है, लेकिन जो ट्रालर ड्राइवर होते हैं भाई बहुत ज्यादा चालान होते हैं, क्योंकि उन्हें कंटिन्यू रोड पे ही चलना है। बस का तो ऐसा होता है, जैसी कंपनीज की बस होती है तो वो बंदों को लेके जाती है, जैसी लेबर को लेके जाती है और रेस्ट करती है पूरा दिन, और शाम को उनको रूम पर छोड़ना होता है, मतलब 2 ही घंटे लगते हैं आने जाने के, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का। तो उसमें ही सोच लो कि आप 80 केडी का चालान उस बंदे को हो चुका है पूरे मंथ में, तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो बंदा ट्रेलर ड्राइवर है यहां पर कुवैत में, तो उसको एक महीने में कितने चालान आते होंगे। जरूरी नहीं आते ही, अगर बंदा सही चले वो उसको कम आते हैं, लेकिन भाई आते ही आते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी चालान नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात है भाई, इतनी इतनी सैलरी यहाँ पर लग जाती है, बाकी डिपेंड करता है कंपनी कैसी है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कंपनी कैसी है और वो आपको कितनी सैलरी दे रही है। तो जो भी बंदा कुवैत में आना चाहता है भाई, जिस कंपनी में आ रहे हो ना, पहले उस कंपनी का अच्छे से पता करवाओ, कम से कम 10 बंदों से पूछो कि भाई वो कंपनी कैसी है, उसका एक एक सिस्टम पूछो कि वो खाना खुद दे रही है या नहीं दे रही है, रहने का कैसा है। और एक चीज और बता दूं भाई, मेडिकल जो अगर आपको मतलब काम करते टाइम कुछ हो जाए, आपको रूम में अगर आप रह रहे हो वहां पे कुछ उस टाइम हो जाए, तो वो कंपनी कुछ आपको देती है या नहीं देती, आपको संभालती है नहीं संभालती है, इसका भाई बिल्कुल ध्यान रखना, इसके बारे में जरूर पता करना। अब तो अभी मैं सच्ची बताऊं भाई, कुवैत के हालात बहुत ज्यादा खराब है, 2023 में कुवैत के भी हालात खराब है, कतर के भी हालात खराब है। अभी तो मैं सजेस्ट भाई यही करूंगा, सच्ची बोलूं अगर मैं तो, आप सऊदी साइड जा सकते हो, क्योंकि सऊदी में काम इस टाइम सबसे ज्यादा है और वहां पर ओवर टाइम भी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, मिल रहा है। मेरा एक बंदा है, मेरा एक फ्रेंड ही है, हम दोनों ने इकट्ठों ने ट्राई दी थी सऊदी के लिए भी, तो मेरा भी क्लियर हो गया था, उस भाई का भी क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा कुवैत का भी क्लियर हो गया था और सऊदी का भी। लेकिन मैं ये सोच के यहाँ पर आ गया कि चलो अच्छी कंट्री है, वहां के रूल थोड़े इससे भी ज्यादा सख्त है ना, तो इस चक्कर में आ गया था। लेकिन भाई उसने पहले महीने की फ्रेश बंदे की सैलरी उठाई है ना, जो भाई 3200 इंडिया का लगा लो तो 64,000 बनता है भाई फ्रेश बंदे का पहले महीने का ओवर टाइम लगा के। तो भाई जो बहुत ज्यादा रकम होते है फ्रेश बंदे के लिए बाहर जाके, ऐसा होता है कि चलो यहाँ पर ठीक है, कुछ ही बोलता हूँ मैं, ज्यादा भी नहीं बोलता, लेकिन ये है कि हम जब बाहर आते तो भाई हमारा ये काम होता है कि हमने कमाना है, फिर तो चाहे हम 10 घंटे ड्यूटी करें, चाहे 12 चाहे 14, ठीक है, तो वो बेस्ट है, आप वहां पर जा सकते हो।
अभी आया हूँ मैं भाई की गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि भाई आज कुछ बीमार है और दूसरी गाड़ी वाले भाई हैं ये, तो मुझे बोला है यहाँ का जो फोरमैन है कि भाई तू उसकी गाड़ी चला थोड़ी देर के लिए। तो मैं आ गया भाई की गाड़ी में, भाई ने अच्छा जुगाड़ लगा रखा है यार, मतलब दो सीधी लगती है ना इतना अंदर आ गए तो कैबिन पूरा गर्म हो जाता है, एसी भी पूरा काम नहीं करता नहीं ऐसे, लेकिन भाई ने ये वाला सिस्टम लगा के ना पूरा ठंडा कर रखा है और भाई ने अंदर से सफाई भी अच्छी कर रखी है, टॉवल वगैरह रखे हुए, सफाई सफूई अच्छी कर रखी है, बिल्कुल मतलब अच्छी बना के रखी है गाड़ी भाई ने अंदर से। तो बस अभी एक घंटा रह गया छुट्टी होने का और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। तो